हमारा आज का टॉपिक है लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, इसके अंदर हम किन तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में क्यों रखा गया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो लॉजिक गेट में हमें बेसिकली तीन गेटों के बारे में पढ़ना है। तो पहला गेट जिसको हमें पढ़ना है बेसिक गेट्स, दूसरा गेट है यूनिवर्सल गेट, तीसरा गेट जिसको हमें पढ़ना है अरिथमेटिक गेट। अरिथमेटिक गेट बेसिक गेट में हमें तीन गेटों के बारे में पढ़ना है। बेसिक गेट के अंदर तीन तरह के गेट आते हैं। पहला गेट है ऑर गेट, दूसरा है एंड गेट, और तीसरा है नॉट गेट। इन तीन गेटों के बारे में पढ़ना है बेसिक गेट्स में। यूनिवर्सल गेट में हमें दो गेटों के बारे में पढ़ना है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इसी तरह अर्थमेटिक में भी हमें दो तरीके के तरह के गेट के बारे में पढ़ना है, एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉट गेट। तो ये लॉजिक गेट में हमें सात गेट हैं, सात गेटों के बारे में पढ़ना है। और इन पहले हमें गेटों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, अर्थमेटिक गेट। बेसिक गेट के अंतर्गत हमें तीन गेटों के बारे में पढ़ना है, नॉर गेट, नॉट गेट एंड गेट और गेट। यूनिवर्सल गेट में हमें नैंड और नॉर के बारे में पढ़ना है। इसी तरह अर्थमेटिक गेट्स में हमें एक्स और एक्स नॉर के बारे में पढ़ना है। तो लॉजिक गेट में होता क्या है, लॉजिक गेट होता क्या है, इसमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसके जिन जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, एलईडी, डायोड्स, इन सभी को लेके हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, और सर्किट से हमें पर्टिकुलर डेफिनेट आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो लॉजिक गेट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इसमें हम लोग जो इनपुट्स लेते हैं वो हमेशा डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में लेते हैं। 0 मीन्स लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज 5 वोल्ट = 1। तो बाइनरी डिजिट 0 1 के फॉर्म में हम इनपुट्स लेते हैं, तो इसलिए इसको डिजिट के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लिया गया है लॉजिक गेट को। और लॉजिक गेट होता क्या है, इसे बेसिकली ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हमेशा एक डेफिनेट आउटपुट मिलता है। इनपुट हम एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, और इनपुट एक एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बेसिक हम लोग गेट के बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक गेट में पहला गेट है और गेट, और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, टू इनपुट और गेट। तो पहला हमारा टॉपिक है टू इनपुट और गेट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि गेटों को हम जितने भी गेट हैं, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, सभी को हम कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल लेटर में गेट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सारे गेटों को हम कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो और गेट क्या होता है, और गेट का एक बेसिक सर्किट हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस बेसिक सर्किट में टू डायोड, दो डायोड ले लेते हैं, मान लेते हैं D1, D2, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट ए और बी बोल रहे हैं। इसके इस टर्मिनल को हम एक रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं आर, जिसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, और यहाँ से हम एक आउटपुट वाई प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सी पॉइंट ले रखा है, जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट की बैटरी से। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव है, और ये पॉइंट ग्राउंड कर रखा है। अब इनपुट दो है, ए और बी, और आउटपुट हमें मिल रहा है वाई इस बेसिक सर्किट के थ्रू। तो इस बेसिक सर्किट पे दो इनपुट हैं, तो इन दो इनपुट की कंडीशन किस तरह के दो इनपुट हो सकते हैं, इनपुट ए और बी हो गया और आउटपुट हो गया वाई। दो इनपुट ए बी हैं, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है इनपुट की, 0 0 1 1 0 1 0 1।
परमुटेशन कंपटीशन से हम जानते हैं अगर इनपुट दो हैं तो कंडीशंस उनकी क्या हो सकती हैं, चार जीरो। और किसी भी प्रॉब्लम में जिसपे हम इनपुट्स लेंगे वो इनको हमेशा इस फॉर्म में ही लिखना है, 0011 010, चार इनपुट हो गए और इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता इनपुट का। तो चार कॉम्बिनेशन इनपुट के हो सकते हैं जो हमने पहले ड्रॉ कर रखे हैं। आउटपुट इसमें क्या मिलेगा वो हम इस सर्किट से देखते हैं। अगर मान लिया दोनों सी पॉइंट को हमने ना ही ए से कनेक्ट कर रखा है ना बी से कनेक्ट रखा है, मतलब ए पॉइंट भी इनपुट जीरो है, बी पॉइंट भी जीरो है, दोनों को ही यहाँ से कोई वोल्टेज या करंट नहीं मिलना है, तो आउटपुट हमेशा लो मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा। अब हमने क्या किया है, सी पॉइंट को बी से कनेक्ट कर दिया। सी पॉइंट को जब बी से कनेक्ट करेंगे तो ये डी टू डायोड जो है कंडक्टिंग हो जाएगा, सी वाला पॉइंट ए से कनेक्ट नहीं है इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग रहेगा, तो ये करंट फ्लो हो जाएगी डी टू के थ्रू वाई पे, हमें आउटपुट वाई जो है हाई वोल्टेज हाई आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम सी पॉइंट को ए से जोड़ देते हैं बी से नहीं जोड़ते हैं तो सी में डी वन कंडक्टिंग हो जाएगा और डी वन के थ्रू करंट फ्लो होके वाई पे हमें एक आउटपुट मिल जाएगा हाई। इसी तरह अगर हम सी पॉइंट को दोनों से जोड़ देते हैं दोनों पे हाई वोल्टेज रहता है, दोनों कंडक्टिंग डायोड रहेंगे तो डायोड दोनों डी वन डी टू कंडक्टिंग है, इस केस में हमें एक हाई आउटपुट वाई वन मिल जाता है। तो इस तरह से हमें एक टेबल ड्रॉ कर ली है जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जिसमें दो इनपुट है ए और बी और एक आउटपुट है वाई। तो दो इनपुट जिनके एक ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होता है, और हमें इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये आउटपुट 0111 मिल रहा है। तो OR गेट बेसिक क्या है, इसकी डिफिनेशन ले लें, OR गेट इज ए बेसिक गेट इन विच वी गेट ए हाई आउटपुट व्हेन वन और ऑल अदर इनपुट आर हाई। जब OR गेट क्या है, OR गेट एक बेसिक गेट है जिसमें हमें हाई आउटपुट मिलता है कब, जब एक या सभी इनपुट्स हाई हो। जब सभी जीरो होंगे तो जीरो मिलेगा, इस ट्यूटोरियल से हम देख रहे हैं, जब जीरो है तो दोनों इनपुट जीरो है तो जीरो मिल रहा है, लेकिन कोई भी एक इनपुट जब हाई हो रहा है कोई भी एक तो हमें हाई आउटपुट मिल रहा है। तो OR गेट इज ए बेसिक गेट इन विच वी गेट ए हाई आउटपुट व्हेन वन और ऑल अदर इनपुट इज हाई। तो ये हम एक सर्किट को एक लॉजिक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे बेस गेट को हम एक लॉजिक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस सारे सर्किट को हम सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके एक लॉजिक सिंबल से, जो हमने ये सर्किट अभी ड्रॉ किया था वो सारा सर्किट इसके अंदर आ गया है, वही सर्किट इसके अंदर है। और ये इसके इनपुट टू इनपुट ए और बी हो गए हैं और ये हमारा आउटपुट वाई मिल रहा है। टू इनपुट OR गेट की आईसी होती है, आईसी नंबर होता है 7432, टू इनपुट OR गेट की आईसी नंबर है। पूरा जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था उसकी जरा एक लॉजिक सिंबल हमने रिप्रेजेंट कर दिया है OR गेट का, ये वही सर्किट है, इसके अंदर वही पूरा सर्किट है भाई, इनपुट यहाँ पे ए और बी ये हो गए हैं, वाई आउटपुट मिल रहा है। वाई आउटपुट जो है इनपुट्स को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको एडिशन का काम करता है, इसलिए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1, तो वाई आउटपुट एक्चुअल कर क्या रहा है, दोनों इनपुट्स का जोड़ने एडिशन का काम कर रहा है, इसलिए वाई इक्वल टू ए प्लस बी इसके लॉजिक सिंबल 7432 के आईसी नंबर है, याद रखना चाहे तो रखिए 7432 इसका आईसी नंबर है। और ये टू इनपुट्स में हमें हाई आउटपुट तब मिलता है जब एक या एक सभी इनपुट हाई होंगे तो हमें हाई आउटपुट मिल जाता है। अब हम बात करें इसके क्वेश्चंस कहते आते हैं। मान लेते हैं एक हमारा इनपुट ए जो है वो 0 1 1 0 1 0 है, दूसरा इनपुट बी जो है 1 1 1 0 0 1 है, तो हमें बताना है कि हमें वाई आउटपुट क्या मिलेगा। हम अगर OR गेट के थ्रू इस एक की जगह ये डाल दें 0 1 1 0 1 0 और बी की जगह 1 1 1 0 0 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। हम इस ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं कि जब कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो हमें हाई आउटपुट मिल जाएगा। इसमें देखते हैं 0 1 पे एक इनपुट हाई मिल गया तो 1 1 1 पे 1 1 1 पे 1 0 0 पे 0 0 1 0 पे 1 0 1 पे
तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इसी तरह अगर हम कहें कि एक और तरह की प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा इनपुट ए वेव फॉर्म डिजिटल वेव फॉर्म में इस तरह है, और बी इनपुट इस तरह है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट बाई क्या होगा। तो हम इसके टाइम इंटरवल में इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं। सीधा सा फॉर्म है कि इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 0 1 0 0 1, 0 को इसी तरह इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0 1 0 1 0 0। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 0 पे हमें हमेशा 0 मिलता है, 0 0 पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिलेगा क्योंकि 0 1 आ गया है, 1 0। फिर इसके बाद 0 0 है तो हमें 0 मिलेगा, 1 1 पे आउटपुट हमेशा 1 रहता है, फिर 0 0 पे 0 हो गया, 0 1 पे 1 मिलेगा, 1 0 पे भी 1 मिलेगा, और 0 0 पे 0 मिलेगा। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0, 0 0 पे 0 1 1 1 0 पे 1 0 0 पे 0 1 1 पे 1 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 0 0 पे 0। इस तरह से हम लोग इस टेबल के फॉर्म वेव फॉर्म में अगर इनपुट है तब भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, अगर डिजिट्स के फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में है तब भी हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि 0 0 पे हमें एक लो आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज कोई भी इनपुट हाई है तो हमें एक हाई आउटपुट y इक्वल टू 1 पे मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया टू इनपुट और गेट। अगला हमारा गेट है NAND गेट, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।